अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा गर्मी में सो रही है, कम से कम तबीयत तो ठीक हो जाएगी उसकी, बहुत थक गई है बेचारी। जब भी केतकी की नींद खुले माँ को यहां नहीं होना चाहिए, वरना खुलते ही वो माँ को सब बता देगी। माँ रात बहुत हो गई, आप जाकर सो जाइए। आप केतकी की चिंता मत करिए, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ पे। नहीं मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर देता। इसी तरह हमेशा ध्यान रखोगे ना केतकी का? बाबा, अरे कालिंदी बेटा, तुमने कोई ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लिया क्या? ये क्या है नर्स का ड्रेस पहन के घूम रहा है बेटा? तुमको सिंगर बनना है, एल्बम निकलना है। देखा तुमने, यहाँ आने का नतीजा, गेट आउट। तुम एक काम करो बेटा, तुम ये नर्स का ड्रेस ड्रामा कंपनी को वापस कर दो और मेरे साथ बैठ के रियाज करो। बाबा, बाबा अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। क्यों? क्योंकि बाबा आपके ये सारे गमापा से ना मेरे कानों से खून निकल जाएगा। तो मैं तो समझाने की कोशिश। हाँ ठीक ठीक, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप जाकर चावल बनाइए। ठीक है जी, तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत रहो। फरकान, तुमने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया, क्योंकि अब इस बेइज्जती की कीमत केतकी चुकाएगी, चुकाएगी, चुकाएगी। वो हमने अपनी नजरों से देखा है, फरदान जी के साथ वो लड़की कौन थी? बेटा केतकी, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? फरदान जी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे? बेटा, बेटा तुम्हें कोई अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। वरदान भी यहाँ है और हम भी हैं तुम्हारे साथ। वरदान, ये सब क्या चल रहा है केतकी के मन में? अभी अगर जगी होती तो हम उसे बताते कि उसका मन का डर बिल्कुल गलत है। गलत है ना वरदान? तुम जानते हो ना वरदान, तुम हमारी आंखों का तारा हो, गुरूर हो तुम हमारे, क्योंकि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमने अपनी जिंदगी कैसे काटी ये तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए जब हम तुम्हें देखते हैं ना तो हमें भरोसा हो जाता है कि तुम केतकी के साथ वो सब नहीं होने दोगे जो हमारे साथ हुआ है। कभी अपने राह से नहीं भटकोगी, तुम कभी भी केतकी को धोखा नहीं दोगी।
घर से कुछ टूटने मत देना। केतकी का ख्याल रखना। केतकी नींद में जो भी बड़बड़ा रही है उससे ये तो साफ है कि उसने मुझे कालिंदी के साथ देख लिया है। I'm sorry, गौरव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं केतकी को अचानक क्या हुआ। उसके कहने पर मैंने अंकल आंटी को कन्विंस किया। रूबी का अफेयर होने के बावजूद तुम दोनों की शादी के लिए हमने इतना कुछ किया, तो उसे भी तो कुछ कहना चाहिए था ना। उसके हस्बैंड ने सबके साथ इतनी बदतमीजी की और उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। नैना, एक्चुअली मैं केतकी को ब्लेम नहीं करती। जिसका पति ऐसा हो वो औरत बेचारी कर ही क्या सकती है। आई एग्री विद यू आंटी, ये तो मैंने और नैना ने भी देख ही लिया कि केतकी क्या थी पहले, और उस आदमी के साथ रहते रहते क्या ही हो गई वो। आई फील सॉरी फॉर केतकी यार। नैना, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें केतकी को कॉल करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। नहीं आकाश, किसी के कुछ भी कहने से केतकी को कुछ समझ नहीं आएगा, बट आई एम श्योर कि एक दिन उसे जरूर रियलाइज होगा, तब वो अपनी लाइफ को लेके सही फैसला लेने की हिम्मत रखे। जय श्री राम। जय श्री राम, जुग जुग जियो। बैठो। नींद तो नहीं हुई होगी ना ठीक से, होरिया के वजह से बेचारा रात भर जागा होगा मेरा लल्ला। लो बेटा कुछ खा लो। अब भाभी नाश्ते के लिए नहीं आ रही है क्या? अरे कुछ बताया भौरिया ने? वो अचानक बेहोश कैसे हुई थी? अब तो ग्लूकोज भी चढ़ गया, कमजोरी भी खत्म हो गई होगी। कब तक आराम करने का इरादा है बहुरानी का? रूबी जाओ केतकी को भी नाश्ते के लिए लेकर आ। दीदी आज भी उसे आराम ही करने देते हैं, आप तो पता है थोड़ी नाजुक सी है। मम्मा। क्या भौरिया, इतने छोटे से व्रत में तुम्हारी ये हालत हो गई? अब खैर छोड़ो सब बातों को, ये बताओ तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? तुम इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई? आज तो तुम्हें पूरा दिन आराम करना चाहिए था। देखा, अरे देखा अपना नसीब, इतना प्यार करने वाला, इतनी चिंता करने वाला पति तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिला होता। वरदान जी, वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थी? वरदान जी, कल जो घर में नर्स आई थी वो कौन थी? बेटा उसे तो अस्पताल वालों ने भेजा था ड्रेसिंग के लिए, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना वरदान? माँ, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ, बाय। रुको वरदान,
तुम पे कभी भी किसी की बुरी नजर ना पड़े। अनोखा बंधन सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।